सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हम अपने इस वीडियोस में एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो आज उसकी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फोन ऑथेंटिकेशन, फायरबेस फोन ऑथेंटिकेशन। इसमें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हम यूजर को लॉगिन कराएंगे फोन ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप जो है हमारी वीडियोस के अपडेट को पा पाएं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यू में जाके एक पैकेज बनाऊंगा स्टार्टअप नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैं एक एक्टिविटी बनाऊंगा। यहाँ से मैं एक एमपीटी एक्टिविटी चूज कर लेता हूँ और इसका नाम रहेगा लॉन्चर एक्टिविटी जो रहेगी हमारी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाएंगे और मेन एक्टिविटी के अंदर से इसे हम कॉपी कर लेंगे इंटेंट फिल्टर को, और इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एक्सपोर्टेड फॉल्स करेंगे। और ये चीज हम मेन लॉन्चर के अंदर इंटेंट फिल्टर को लगा देंगे और इसे ट्रू करते हैं। ओके, ये इतना काम हो गया हमारा। अभी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपनी एक्टिविटी लॉन्चर में और फिर इसे हम क्या करेंगे, रिलेटिव लेआउट में चेंज करेंगे और इसके अंदर हम एक इमेज व्यू को लगाएंगे जो इसकी वाइड हम दे देते हैं 160 dpi, और 160 dpi ही हम इसकी हाइट दे देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपने फाइल्स में से जाएंगे और जो आइकन था वो आइकन, मैं आपके पास जो भी आइकन होगा आप वो आइकन को लीजिएगा। मैं अपने आइकन को यहाँ से कॉपी करूंगा और एंड्रॉइड स्टूडियो में आकर ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके नाम को मैं चेंज करूंगा और फिर यहाँ SRC के अंदर माई शॉप आइकन के नाम से इसे सेट कर दूंगा। ये 160 dpi रहेगा और अभी मैं इसको सेंटर पेरेंट करूंगा यहाँ पे ट्रू, ये हो गया, ठीक है। अभी मैं मेन लॉन्चर एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले थ्री लाइंस पे जाके टूल्स के अंदर फायरबेस, इधर से मैं ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा। यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ऐड टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन SDK और एक्सेप्ट चेंजेस करूँगा। ये हमारे लिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसी को हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। अभी जो है हमारी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। तो मैं आता हूँ अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ फायरबेस फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंट डॉट करंट यूजर इज नॉट इक्वल टू नल स्टार्ट एक्टिविटी विथ इंटेंट दीज एट द लॉन्चर मेन एक्टिविटी क्लास, एल्स। इसी को मैं यहां से कॉपी करूंगा और यहां पे लाके पेस्ट करूंगा इसको। और यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और यहां न्यू में जाके पैकेज के अंदर यहां पे हम एक ऑथ नाम का पैकेज बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी बनाएंगे MPT व्यू एक्टिविटी जिसका नाम रहेगा लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉगिन एक्टिविटी। अभी मेन लॉन्चर एक्टिविटी में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज करके लॉगिन एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी करेंगे ऐसा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे,
इसे फिनिश करेंगे। ये हो गया, हमने यहाँ से इसको फिनिश कर दिया और ये सारी चीजें रन होंगी। अभी हम क्या करेंगे, अपने मेन लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस चीज को रिमूव करेंगे यहाँ से, और हम इनेबल करेंगे अपने प्रोजेक्ट की व्यू बाइंडिंग, जिससे कि हमें बार बार फाइंड व्यू आईडी करके ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिंपली गूगल में लिखूंगा व्यू बाइंडिंग, और ये एंड्रॉयड डेवलपर की वेबसाइट आ गई। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम कैसे इनेबल करेंगे। तो ये है बिल्ड फीचर, जिससे कि हम अपने व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो इसे हमें कहाँ पेस्ट करना है, हम जाएंगे अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में और ऐप मॉड्यूल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर इसे हम पेस्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंक हो चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट में, सॉरी एक रिलेटिव लेआउट में इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो गया, रिलेटिव लेआउट में इसको चेंज कर लेते हैं और फिर हम जो है यहाँ पे लेआउट तैयार करेंगे। तो लेआउट के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, जो होगा रैप कंटेंट, और रैप कंटेंट इसे हम पैडिंग भी दे देते हैं 10 dp की। टेक्स्ट साइज 33 dp कर देते हैं और टेक्स्ट लिख देते हैं वेलकम। टेक्स्ट कलर दे देते हैं, वो रहेगा ग्रीन। और अब यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट व्यू लगाएंगे, इसे हम आईडी दे देते हैं वेलकम टेक्स्ट। इसको भी रैप कंटेंट करते हैं और इसे भी रैप कंटेंट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे प्लीज लॉग इन फॉर एक्सप्लोरिंग प्रोडक्ट्स, प्लीज लॉग इन फॉर एक्सप्लोरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम दे देंगे और इसे हम बिलो करेंगे, लेआउट बिलो वेलकम टेक्स्ट। ओके, ये हो गया हमारा। अभी जो है हमारा लेआउट थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट को लगाएंगे, जो होगा मैथ पेरेंट और रैप कंटेंट, जिसकी स्टाइल होगी आउटलाइन बॉक्स थीम। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट को लेंगे, इसे हम मैथ पेरेंट कर देते हैं और इसे भी रैप कंटेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसे हम सेंटर इन पेरेंट करेंगे, सॉरी इसे हम सेंटर इन पेरेंट करेंगे, इसे मैं ट्रू कर देता हूँ। कुछ इस तरह का टेक्स्ट भी हो जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक हिंट को पास करेंगे, जिसका रहेगा एंटर योर फोन नंबर। ये होगा एंटर योर 10 डिजिट फोन नंबर। और हम क्या करेंगे, इसे आईडी दे देंगे, एक आईडी दे देंगे एडिट एडिट टेक्स्ट फोन नंबर, ये हम इसे आईडी दे देंगे। और फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक बटन लेंगे, जो होगा मैथ पेरेंट, और 55 dp इसकी हाइट रखते हैं। इसे हम क्या करेंगे, बॉटम पेरेंट ट्रू करेंगे। इसे हम ट्रू करेंगे बॉटम पेरेंट, और इसको हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम देंगे 10 dp की, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे सेंड कोड। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी इसी के नीचे हम एक प्रोग्रेस बार को भी लगा देते हैं, जिसको हम 33 हाइट दे देते हैं, 33 वाइट दे देते हैं और 33 dp हाइट दे देते हैं, और इसे भी बॉटम पेरेंट ट्रू करते हैं, और इसे हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर भी ट्रू करते हैं, और मार्जिन बॉटम 10 dp रखते हैं। और फिर इसे हम एक आईडी दे देते हैं प्रोग्रेस बार। ठीक है, ये हो गया। और हम इसे भी एक आईडी दे देते हैं btn सेंड कोड। इसकी विजिबिलिटी जो है डिफॉल्ट हम कौन रखेंगे। तो ये हमारा लेआउट का काम हो चुका है। तो हमारा लेआउट आप देख सकते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लॉगिन वाले में जाएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम रहेगा वाइंडिंग एक्टिविटी लॉगिन वाइंडिंग
बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी लॉग इन बाइंडिंग डॉट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट रूट। ये हो गया हमारा। अभी अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक और वेरिएबल बनाएंगे फोन नंबर नाम से, और अभी बाइंडिंग डॉट बी टी एन सेंड कोड सेट ऑन क्लिक लिस्नर, उस पे बटन पे हम सेट ऑफ क्लिक लिस्नर लगाएंगे, और फिर फोन नंबर इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट एडिट फोन नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और साथ में इसे हम ट्रिम भी करेंगे। इफ फोन नंबर इज एम्प्टी, क्या करेंगे इज एम्प्टी, तो हमें ये एक एरर देगा। यहाँ तक हम कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे एरर इज इक्वल टू एंटर योर फोन नंबर। अगर वो एम्प्टी नहीं रहेगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है, एल्स वाले केस में हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहां से प्रोग्रेस बार को कर देते हैं रिमूव, और हम ओटीपी वेरिफिकेशन वाले एक्टिविटी में ही कर लेंगे वेरिफिकेशन, एस कोड सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, वॉल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट दीज वेरिफिकेशन। यहाँ हम ऑथ में जाएंगे और एक और एक्टिविटी बनाएंगे, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, जिसका नाम रहेगा वेरिफिकेशन एक्टिविटी, जिसका नाम रहेगा, और यहाँ पे एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्टेंट वॉल। इसमें क्या करेंगे कि फोन नंबर इज इक्वल टू फोन नंबर, ये रखेंगे। ठीक है, ये हो गया दीज एक्टिविटी, और वेरिफिकेशन एक्टिविटी तक ये जाएगा, ये हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पुट करेंगे, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा देंगे वेरिफिकेशन फोन और फोन नंबर कॉमा फोन नंबर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे थ्रू इंटेंट। यहाँ पे हम एक चीज और चेक कर लेते हैं, इफ फोन नंबर डॉट लेंथ इज लेस देन 10, यहां पे इसे पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया, और इसे ही यहां से कॉपी कर लेते हैं, यहां पे एफ वाले केस मिला के पेस्ट करते हैं, एंटर योर 10 डिजिट फोन नंबर, ये हो गया, इसे हम सही कर लेते हैं, ये हो गया। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे 10 डिजिट फोन नंबर एंटर करके, वैसे ही हम पहुंच जाएंगे अपने वेरिफिकेशन एक्टिविटी में। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे और इसके लेआउट बनाएंगे, यहाँ पे भी रिलेटिव लेआउट लगाते हैं, और फिर हम जाएंगे अपने लॉगिन एक्टिविटी में, और यहीं से
सारी चीजों को कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से। मैं यहीं पे लाके से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे पैडिंग दे देंगे 10 dpi की, ये वेलकम वाले टेक्स्ट को। यहाँ हम वेरिफिकेशन लिखेंगे, वेरिफिकेशन प्लीज एंटर कोड स्टैंड योर फोन नंबर, ठीक है ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी आईडी चेंज करेंगे, फ़ोन नंबर कर लो, ओटीपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एंटर योर ओटीपी यहाँ पे कर देंगे। और इसकी जो लेंथ है, मैक्स लेंथ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैक्स मैक्स लेंथ जो है वो हम कर देंगे 6, क्योंकि हमारी 6 डिजिट की ओटीपी आती है। और इनपुट टाइप, इनपुट टाइप हम नंबर करेंगे इसका, और यहाँ पे हम लॉगिन वाले में भी इसका मैक्स लेंथ जो है वो 10 करेंगे, और फिर इनपुट टाइप क्या कर देंगे, नंबर। ये हो गया हमारा। अब ये हम वेरीफाई कोड करेंगे, और यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार हम ऐड कर देते हैं, जिसकी 33 dpi रहेगी, 33 dpi मार्जिन बॉटम 10 dpi, बॉटम पेरेंट ट्रू, हॉरिजेंटल ट्रू। हो गया। आईडी दे देंगे प्रोग्रेस बार विजिबिलिटी गॉन, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे जैसे ही आएंगे इसे रिमूव करते हैं यहाँ से, इसे भी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। इसमें भी हम प्राइवेट लेट इनिट वॉर वाइंडिंग बना लेंगे, एक्टिविटी वेरिफिकेशन बाइंडिंग, और बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी वेरिफिकेशन बाइंडिंग, लेआउट इंसुलेटर को पास करेंगे, और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं बाइंडिंग डॉट रूट। ये हो गया इतना काम हमारा। अभी हम जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे सबसे पहले तो बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट ओटीपी डॉट इज इनेबल, इज इक्वल टू फॉल, और बाइंडिंग डॉट वीटीएन सेंड कोड डॉट, हाँ तो इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, इसका सेंड कोड के बदले वेरीफाई कोड कर देते हैं, और यहाँ पे वीटीएन वेरिफिकेशन कोड, सॉरी ये वेरिफिकेशन कोड, इसकी विजिबिलिटी वो गॉन करेंगे, सॉरी व्यू डॉट गॉन करेंगे, और बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू व्यू डॉट विजुअल कर देते हैं, ठीक है ये हो गया हमारा काम। अभी हम यहाँ पे सारे कोड लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑथेंटिकेशन वाली डॉक्यूमेंटेशन की लिंक, वेबसाइट की लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसका कहना है कि सबसे पहले आप अपने फायरबेस कंसोल में जाएं, तो मैं सबसे पहले अपने फायरबेस कंसोल में जाता हूँ। यहाँ पे इसे गेट स्टार्ट कर और चलते हैं अपने फायरबेस कंसोल में, माई सॉफ्ट, इसके अंदर हम जाएंगे बिल्ड, और फिर हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन, इसे हम गेट स्टार्ट करेंगे, फोन नंबर को इनेबल करेंगे, और अपने यूज के लिए एक नंबर ऐड करेंगे जो हमारा
काम करेगा। ये है, इसके वेरिफिकेशन कोड रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, इसे हम ऐड कर देते हैं, ये हमारे बाद में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला कहना का यही था कि यहाँ पे आप जाएं और ये काम को कर लें। दूसरा ऐप चेक, इसे मैं गेट स्टार्ट करता हूँ। से मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, प्ले इंटीग्रेशन, ये हमसे SHA-2 की मांगेगा। तो SHA की फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल साइन इन रिपोर्ट लिखेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अभी हमारे पास SHA की और ये सारी की आ चुकी है। सबसे पहले हम SHA-1 की को लेते हैं और अपने फायरबेस कंसोल में जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट, इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसे सेव करेंगे। ठीक है, और इसे अभी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यहाँ तक और फिर यहाँ पे जाएंगे ऐड फिंगरप्रिंट, यहाँ कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके सेव करेंगे। इतना काम हो गया, हम अब अपने ऐप चेक में आएंगे, ऐप्स, यहाँ रजिस्टर, प्ले इंटीग्रिटी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसे सेव करेंगे। ये हो गया, अब गूगल में जाएंगे और यहाँ पे अब इस यहाँ का काम हमारा हो चुका है। इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ले जाके यहाँ पे इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ इसके अंदर इसे पेस्ट करेंगे, सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे और ये डिपेंडेंसी जो है वो ऐड हो जाएगी। ये डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, अब हमें सिंपली वेरिफिकेशन पे काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला एक फंक्शन बनाएंगे, फन सेंड कोड, ओके, यहाँ पे करेंगे वॉल फोन नंबर इक्वल टू, फोन नंबर इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इसका की होगा लॉग इन एक्टिविटी डॉट फोन नंबर, ये इसका की है। यहाँ पे सबसे पहले कॉल कर देंगे सेंड कोड और ये क्या करेगा, फोन नंबर एक स्ट्रिंग लेगा। तो अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, +91 डॉलर फोन नंबर, इस चीज को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी फिर हम आते हैं यहाँ पे और फिर हमारा दूसरा काम होगा वेरिफिकेशन कोड को सेंड करना, तो इससे हम कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ, इसे इम्पोर्ट करेंगे, ऑथ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑथ बना लेते हैं ऊपर ही। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइवेट लेट इनिट वॉर ऑथ फायरबेस ऑथ, ओके, यहाँ सबसे टॉप में आएंगे, ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम ऑथ को पास करेंगे, टाइम यूटिल्स को इंपोर्ट करेंगे, दिस हो गया, फोन ऑथ से भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉल बैक्स के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर, ये चीज को, इस पूरी चीज को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सॉरी ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे हम इसे वॉल कर देंगे, ये हो गया, इंपोर्ट कर लेंगे। ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऑटोमेटिक
जब ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट क्रेडेंशियल डॉट एसएमएस कोड को गेट करके यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। एरर में यहाँ पे हम एरर को शो करवा देंगे। सबसे पहले तो मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा, ये फायरबेस एक्सेप्शन, इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे तीनों चीज को। ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे सिंपली टोस्ट कराएंगे, टोस्ट डॉट मेक दिस एट द रेट, यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट होने पे ये कॉल होगा, और इसे मैं शो करा दूंगा। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, द एस एम एस कोटा प्रोजेक्ट हैड बीन एक्सपीड, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, और ये रिकैप्चर का एरर है, तो यहाँ पे रिकैप्चर का एरर शो करा देंगे। सॉरी, ये हमारा एरर वाला सेक्शन, इसे बंद कर देते हैं। ऑन कोड सेंड, जब हमारा कोड जो है वो सेंड हो जाएगा तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे एक टोस्ट को करा देंगे शो, जो हम एरर से ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। OTP सेंड कर देंगे, दो स्ट्रिंग बनाएंगे, वेरिफिकेशन आईडी वॉल, सॉरी वॉर, पहला क्या है स्टोर वेरिफिकेशन आईडी, तो इसे हम यहां से इधर पेस्ट कर लेते हैं, और इसे ऐसे कर देते, और रिफ्रेश टोकन, सॉरी इसका टाइप जो रहेगा ये रहेगा, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। अभी ऑन कोड सेंड को भी बंद करते हैं यहाँ से, और फिर नीचे आते हैं, हमें करना क्या है, और ये लाइन ऑफ कोड को हम कॉपी करेंगे, और कहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, इसे भी मैं करता हूँ, यहाँ पे आएंगे, और बाइंडिंग डॉट बीटीएन वेरिफिकेशन कोड सेट ऑन क्विक लिस्नर, वॉल ओटीपी इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट ओटीपी टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, इफ ओटीपी डॉट लेंथ इज लेस देन 6। हाँ, एरर शो करा देंगे अगर एल्स वाले केस में, हम इसे पेस्ट करेंगे, इसको देंगे,
ओटीपी, वेरिफिकेशन आईडी, वेरिफिकेशन आईडी, ये हो गया। यहाँ पे एक एरर दे देंगे, ये हो गया। यहाँ ऑन कोड एरर में इसको हम बंद करते हैं। क्या करेंगे इस पूरे को, हाँ ये पूरे को लेके जाएंगे और इसे हम यहाँ पे एरर जब होगा, कहाँ गया, यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसे विजुअल करेंगे, इसे गॉन करेंगे और बाइंडिंग डॉट बीटीएन, वेरिफिकेशन कोड डॉट इज इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे जब आएंगे ऑन पोर्ट सेंड में, देन यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और विजिबिलिटी बटन की वेरिफिकेशन बीटीएन वेरिफिकेशन कोड की विजुअल रहेगी, प्रोग्रेस बार की बॉन हो जाएगी और बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट ओटीपी इज इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ये हो गई सारी चीजें। हो गई ना। अब हमें क्या करना है, एक लास्ट मेथड है, इस मेथड को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके नीचे लाके ऐसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हाँ, ये हो गया, इसे बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं। ये हो गया। अब जो है ये वाला भी हो गया हमारा, इसे बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही होगा बाइंडिंग डॉट, यहाँ ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर पास से, इधर पास से, इधर पास से कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ ना इस मेथड को, साइन इन विथ, और ये क्रेडेंशियल हम यहाँ पे पास कर देंगे। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब हम एक टोस्ट शो कराएंगे यहाँ पे, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। ये हो गया वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। जब भी हमारा ओटीपी जो है वो रॉन्ग होगा तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स जो है वो हम करेंगे, वेरिफिकेशन कोड इज इन वैलिड, ये एरर शो कराएंगे और इसे एक बार यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि जब भी एरर आ जाएगा इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट करते हैं, इसे विजुअल करते हैं और इसे गॉन करते हैं, और फिर बस हो गया, इतना ही काम हम करेंगे। अब जो है हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो हमारा एप्लीकेशन जितना काम किया हमने वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अभी जो है हमारा ऐप जो है वो रन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं सेंड कोड पे क्लिक करूँगा, ये हमें एरर देगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नंबर
वो वाला जो हमने वहां पे दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैं से डन करता हूँ, सेंड वेरिफिकेशन कोड में जाएंगे। तो इसमें कुछ एरर आ गई जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी हम चेक करते हैं क्या एरर आ रही है। यहाँ पे यहाँ इसमें जाएंगे और फिर ऐसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ऐसे पेस्ट कर देंगे। दोबारा रन करते हैं। अभी ये हमें नंबर डालने के लिए बोल रहा, हम नंबर एंटर करते हैं। तो ये जो एरर है वो हमारे फायरबेस कंसोल से आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, अपने फायरबेस कंसोल में जाएंगे। यहाँ ऑथेंटिकेशन के अंदर इसे हमें इनेबल करना है और इसे सेव करते हैं। ये देखिए ये अब इनेबल हो चुका है। फोन ऑथ जो है हमारा इनेबल है। अभी हम जो है दोबारा से यही काम करेंगे। ये मैं हमने फ़ोन नंबर और ये मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर किया जो वहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए दिया था। ये OTP वेरिफिकेशन कोड सेंड। अभी मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 एक गलत OTP डालता हूँ। ये मैं गलत OTP डाला, वेरिफिकेशन कोड इज़ इनवैलिड। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ 6 करता हूँ ये वेरीफाई कर देगा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से जो है हम अपने प्रोजेक्ट में फोन ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है हम यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। तो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि एक यूज़र जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए ये एक यूज़र क्रिएट है इस नंबर से। ठीक है, इसकी URD ये है। तो अब इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है आगे का कोड लिखेंगे और कैसे हम यूज़र का डेटा जो है वो कैसे अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। तो अभी जैसे ही मैं ऐप को ओपन करूँगा मैं अपने मेन एक्टिविटी में चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने लॉन्चर एक्टिविटी में जो लगा के रखा था, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये लॉन्चर एक्टिविटी में हमने इसीलिए लगाया था कि जैसे ही हम जो है लॉग इन होंगे तो अपने मेन एक्टिविटी में चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।